एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और ये मेरा कमबैक है यूट्यूब पे अगेन। मैं लास्ट 10-11 मंथ से बिल्कुल भी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। उसका रीज़न था कि आई एम बिकम मॉम राइट नाउ। आप पीछे देख रहे हैं, ये शी इज़ माई चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। नाउ शी इज़ 3 मंथ्स ओल्ड टुडे। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल फिर से। अभी राइट नाउ हम हैं त्रिंबकेश्वर में, हम यहाँ दर्शन करेंगे एंड हमारा फर्दर प्लान है शिरडी घूमने का और शनि सिग्नापुर घूमने का, तो वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू जो भी अभी तक आपने प्यार दिया, न्यू सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच। और नाउ आई एम कम बैक एंड आपको ऐसे ब्लॉग्स देखते रहने को मिलेंगे। थैंक मंदिर की एंट्रेंस। आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की शॉप है जो आप ले जा सकते हैं अंदर। ये एंट्रेंस है, देखते हैं अगर कैमरा अलाउ होगा अंदर तो हमें मिल पाएगा ब्लॉगिंग करना, अदरवाइज मुझे अंदर आपको नहीं दिखा पाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्शन एंट्रेंस जो है वो ये है। 200 रुपीज पर पर्सन चार्जेस है यहाँ पे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम् So, ये दर्शन की लाइन है, देखिए। चिदाकाश माकाश वासं भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा गया। दर्शन के बाद मैं आपकी सारी चीज शेयर करूंगी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इस मंदिर में, बताऊंगी ठीक है। तुषाराद्रि संकाश गौरम कबीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सत्पाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्ट
दृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं मजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूल पाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पातकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदा सो गाइज अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी. पहली चीज कि हमने त्रिंबकेश्वर में दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं शिरडी के लिए. शिरडी यहाँ से लगभग 2 hours दूर है जितना मुझे अभी तक पता चला है. सो अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है, सब देखते हैं बीच में कुछ खाएंगे एंड देन हम शिरडी पहुंचेंगे. शिरडी में आज हम होटल चेक इन करेंगे, रेस्ट करेंगे, होगा थोड़ा बहुत मार्केट घूमेंगे. कल सुबह हम शिरडी में दर्शन करेंगे और वहीं से जाएंगे हम शनि सिग्नापुर एंड देन हमारा बैक रिजर्वेशन है टू भोपाल. सो ये रहा हमारा ट्रैवल जर्नी जो मैं अभी तक आपको नहीं बता पाई थी ब्लॉग में. नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी, मैंने आपको बोला था कि मैं त्रिंबकेश्वर मंदिर में एक चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. आई होप जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी कहीं ना कहीं मुझसे एग्री होंगे और कहीं ना कहीं आपने ये चीज फेस डेफिनेटली की होगी. वो चीज ये है कि जब भी हम भगवान में को या मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसा लेते हैं, जनरली मैं तो फूल लेती हूँ या ज्यादा नारियल लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या था कि फ्लावर्स मिल रहे थे और शिवजी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मिल रहे थे. तो हमने वो खरीदा बहुत ही श्रद्धा से कि हम वहां चढ़ाएंगे उनको. वो हमें जैसे ही खरीदा, जहां मैंने आपको वीडियो में दिखाया आप देख रहे होंगे शॉप्स हैं वहां पे फ्लावर्स की, उसको खरीद के जैसे ही हम गेट के अंदर आए हैं वहां पे एक दो लेडीज बैठी हुई हैं जो आपसे वो बकेट जिसमें फ्लावर्स हैं वो ले लेंगी और वो पूरा का पूरा एक टब में डाल देंगी. अब जितना मुझे पता है आई थिंक वो वापस रिसाइकल हो जाएगा, वापस शॉप्स में पहुंच जाएगा. और हमने जिस श्रद्धा से वो खरीदा, दैट कॉस्ट ₹100, या कॉस्ट की बात नहीं है पर पॉइंट ये है कि हमने जिस श्रद्धा से उसको खरीदा वो श्रद्धा गेट के पार सेकेंड्स में खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि वो फ्लावर्स ही वहीं के वहीं उनके पास रिटर्न हो गए, तो फिर हमने खरीदे क्यों? मतलब या तो शॉपकीपर हमें बोल सकता था कि भैया वहां चढ़ाने को नहीं अलाउ है, वो वापस जमा कर लेंगे. ठीक है, वो क्यों बताएगा, क्योंकि उसकी बिक्री करनी है. जो भी है ओवरऑल ये चीज बहुत खराब है यार. मतलब दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, एक फूल चढ़ा लेंगे, एक बेलपत्र चढ़ा लेंगे, तो क्या बुराई है भाई? और आप वो पूरा का पूरा आप उसको टब में डाल के वापस, डेफिनेटली वापस आप शॉप्स में भेजते होंगे, आई डोंट नो क्या करते हैं, बट ये बहुत गलत है. एक्चुअली बहुत गलत है. इससे सामने वाले के इमोशंस हर्ट होते हैं, वो जिस श्रद्धा से वो चीजों को खरीदता है वो सब कुछ खराब हो जाता है. सो आई रियली डोंट लाइक दिस. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैंने उनको बोला भी कि आप ये शॉप में वापस कर देंगी, तो वो उन्होंने भी काफ़ी हार्श आंसर दिया मुझे. बट ठीक है, वो अपनी जॉब कर रही है जो उनको सिखाया गया है, बट इट्स रियली रियली रॉन्ग. लोगों के इमोशंस कनेक्टेड होते हैं इससे. सो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये चीज़ें होती हैं धार्मिक प्लेस पे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. इट्स जस्ट आप लोग ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा. सो दैट्स इट. तो जैसा कि आपने देखा मेरी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी गर्ल है, शी इज 3 months ओल्ड टुडे. सो हम उसको लेके यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए निकले और हमने सोचा कि पहला ट्रैवल है तो क्यों नहीं शिरडी से शुरुआत करते हैं. चलो गुड मॉर्निंग.
आज डे टू है, जैसा कि हमने कहा था कि कल हम बहुत लेट नाइट आए थे त्रिंकेश्वर से, तो हम बहुत थक चुके थे, सो गए, थोड़ा बहुत मार्केट घूमा, स्नैक्स खाए और हम सो गए. सो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, अब हम जा रहे हैं साई दर्शन के लिए. ये है हमारा होटल. अब यहाँ से हम साई दर्शन के लिए जा रहे हैं, देन फिर जो भी हम करेंगे वो आपको शूट करके बता देंगे. आई थिंक मंदिर में डेफिनेटली कैमरा अलाउड नहीं होगा, जो भी मैं आपको व्यू दिखा सकती हूँ मैं वो डेफिनेटली दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड, जय साई राम. साई मंदिर जो है वो हमारे होटल से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. हम बिल्कुल जो मेन स्ट्रीट है जहाँ पे हॉकर्स लगते हैं, साई मंदिर है, खाने का सब सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से हार्डली 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है. सो हम बस पैदल जा रहे हैं और साई दर्शन करेंगे. आई एम सो एक्साइटेड ऑलवेज. भीड़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये क्रिसमस के बाद ये वीकेंड टाइप की लीव पड़ गई है सबकी, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है. आप तो ले लो पास, चलो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमको लॉकर मिल जाए जहाँ पे हम अपने मोबाइल फोन्स और ये सब कुछ रख सकें, बिकॉज अंदर अलाउड नहीं है. तो लेट्स सी, यहाँ पे शॉप्स के अंदर भी लॉकर प्रोवाइड किया जाता है और अलग से साइन के अलग लॉकर्स भी हैं काउंटर पे. जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, आई नो मीशो बहुत ब्रेक हो रहा है, बट व्हाट टू डू, कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर में, इस वजह से मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखा पा रही हूँ. एंड मेरे पास ऑब्वियसली 3 month बेबी है, सो कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं. मैंने शुरू किया है व्लॉग करना अपने यूट्यूब के लिए, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. एंड अब हम जा रहे हैं शनि सिग्नापुर, शिरडी में बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं हमको और अब हम शनि सिग्नापुर के लिए निकल चुके हैं. और एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, बैलों द्वारा घुमा के गन्ने का जूस मिलता है. इस पूरी रोड पे आपको इसी तरीके से गन्ने का जूस मिलेगा, मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता. जूस का टेस्ट कैसा है ये मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी. सो हमने यहाँ पे रुके हैं, जूस पीते हैं, शनि सिग्नापुर निकलते हैं, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है, लंच वंच करके फिर हमें स्टेशन निकलना है, बिकॉज हमारे 7 बजे की ट्रेन है बैक टू भोपाल. सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे गन्ने का जूस इससे कैसे निकलता है. इनको भी देखिए, पीहू हाँ. जो हमने हाय नहीं किया मेरे, हाय नहीं किया मेरे व्यूअर्स को, हाय करो. हेलो गाइस,